इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। लाठी बंदूक के साथ पहुंची पुलिस, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। राजस्थान के टोंक में बड़ा बवाल हुआ है, पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। कुछ देर पहले ही नरेश मीणा मीडिया के सामने आया था, उसने कहा था कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इसी बीच पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। लाठी बंदूक के साथ पहुंची पुलिस, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। राजस्थान के टोंक में बड़ा बवाल हुआ है, पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। कुछ देर पहले ही नरेश मीणा मीडिया के सामने आया था, उसने कहा था कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इसी बीच पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। लाठी बंदूक के साथ पहुंची पुलिस, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। राजस्थान के टोंक में बड़ा बवाल हुआ है, पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। कुछ देर पहले ही नरेश मीणा मीडिया के सामने आया था, उसने कहा था कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इसी बीच पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।